अंजाल जिला परिषद वार्ड नंबर 17 सियासी हलचल का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसका एकमात्र कारण है 26 साल का छोकरा जो ग्राम पंचायत अभीपुर से चलकर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में पहुंचा, जहां उसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पढ़ाई करने के पश्चात कड़ी मेहनत के पश्चात वर्ल्ड बैंक में काम किया और मानवीय मुद्दों पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। परंतु उनका मन अपने वतन की सेवा करने को हिलोरे ले रहा था। यही वजह थी कि चैतन्य शर्मा ने अपने पिता राकेश शर्मा के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से अपनी शिक्षा और अनुभव को आधार बनाकर नई दिल्ली, देहरादून और नैनीताल में कार्यालयों के साथ अपनी स्वयं की कानूनी फर्म U&S एसोसिएट्स की स्थापना की और एक मैनेजिंग पार्टनर के रूप में अच्छा कार्य भी चलाया। चैतन्य शर्मा ने बताया कि मन अपनी मातृभूमि, अपने गाँव, अपने हल्के की सेवा हेतु बेचैन हो रहा था, तो उन्होंने कोरोना के विकट काल में जब लॉकडाउन लगा तो खूब राशन किट्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर जरूरतमंदों में वितरित किए। जब वो राहत सामग्री बांट रहे थे तो इस क्षेत्र के पिछड़ेपन से व्यथित हुए और इसी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु युवा शक्ति पराक्रम एक स्वयंसेवी संस्था बना डाली, जो कि स्वां रीजन फाउंडेशन के साथ मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, रोजगार, खेलकूद इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य कर रही है। चैतन्य शर्मा ने बताया कि युवाओं की प्रशासन और सामाजिक कल्याण में अपनी भागीदारी बढ़ाने हेतु उन्होंने जिला परिषद का चुनाव भंजाल बाढ़ से लड़ने का निर्णय लिया है, ताकि वो बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र की समस्याओं को सही मंच पर उठाकर उनका हल भी करवा सके। इसके चलते उन्होंने जोह गांव से लेकर भंजाल बाढ़ तक संपर्क अभियान चला रखा है, जिसमें जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है और वो हमेशा स्थानीय जनता के ऋणी रहेंगे। नमस्कार, मैं चैतन्य शर्मा हमारे जिला परिषद वार्ड 17 भंजाल का प्रत्याशी हूं, जो हमारा क्षेत्र पड़ता है जो से लेकर कट तक का। पिछले 4 से 6 महीने में मेरे माध्यम से और मेरी संस्था YSP के माध्यम से जो कराए गए कार्य हैं, मैं आपको कुछ उनके साथ अहम चीजों का इसे अवगत कराना चाहूंगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, जहां हमने स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चों का प्रोत्साहन करने की एक पहल करी है, चाहे इसी के साथ साथ वो एक खेलकूद का एक एरिया हो जिसमें हमने बच्चों को जगह जगह पर ग्राउंड डेवलप करके दिए हैं और इसी के साथ साथ हमने जिम भी दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे कराए सारे कार्य हैं, मेरा इसी में यही रहा है कि जो हमारा आने वाला भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा मेरे जैसा जो युवा वर्ग है, हमें एकजुट होकर अपनी सोसाइटी को, हमारा जो अपना समुदाय है, उसको आगे लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि जो हमारा पिछला एक साल रहा है कोरोना महामारी का, इसमें हम सभी को पता चला है कि अगर हमारा घर है तो सब कुछ है। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारा युवा वर्ग आगे अपनी नौकरियां ढूंढ रहा है या दिन में या दिहाड़ी भी लगा रहा है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हम उनको घर में सशक्त कर सकें। और तो इसी पहल को आगे चलाते हुए मैं यही आप सभी से अपील करूंगा कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ें। और दोस्तों, मैं जीतूं या हारूं, मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि आगे ये जो मेरा एक चलाई हुई एक मुहिम है, ये चलती रहे। मैं आप सभी के समक्ष हूं और रहूंगा, और मेरा ये जो अपना YSP का जो एक उद्देश्य बन चुका है और आप लोगों के जो एक समर्थन से
जो आप लोगों का जो जो आपका एक जज्बा है, जिससे जिससे मेरे को एक बहुत ज्यादा प्रोत्साहन हुआ है, मेरा ये काम चलता रहेगा।